सोनीपत गन्नौर के थाना बड़ी से एक हत्या की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां सोनीपत के गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक काशीराम के सिर में इसके ही साथी श्रमिक बालकृष्ण ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली। आप इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों को देख सकते हो कि केवल एक मिनट में ही लोहे की रॉड से लगातार 7 बार सिर में वार कर उसे मार डाला। हालांकि फैक्ट्री में एक कर्मचारी ने उसे बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ने पहले शराब पी और फिर मामूली कहा सुनी के बाद झगड़ा हुआ और वारदात खून में बदल गई। दिनांक 23 जून को कुमारे पुत्र हरिराम वासी बस्ती उत्तर प्रदेश ने थाना HSIDC बड़ी में शिकायत दी थी कि मेरे चचेरे भाई काशीराम, जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी का काम करता था, उसकी उसके साथी कर्मचारी बालकृष्ण निवासी फैजाबाद यूपी ने लोहे की रॉड सिर में मारकर हत्या कर दी है। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह मुख्य आरोपी बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि मृतक व आरोपी दोनों इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे और इस दौरान उनका झगड़ा हो गया था, जिससे आरोपी ने उसके सिर पर लोहा रॉड से हमला कर दिया, जिससे काशीराम की मौत हो गई थी। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसको रिमांड पर लिया जाए।